यहाँ पे ये सीरीज गिवन है, बताना है कि ये एपी है या नहीं। अब एपी के लिए पहले तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ये 1 है, ये 25 है, ये 49 है, ये 73 है, एंड सो ऑन। अब एपी के लिए डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स होना सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखूँ सेकेंड और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस होगा 25 - 1 = 24, थर्ड और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस है 24, ऐसे ही इन दोनों टर्म्स के बीच का भी डिफरेंस 24 ही है। अरे वाह, तो इसका मतलब डिफरेंस मेरा सेम है, तो मेरा ये एपी है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है 24। अगली तीन टर्म निकालनी है, तो 73 से 24 ऐड कर दूंगा, अगली टर्म आ जाएगी, फिर 24 और ऐड करूंगा और अगली, फिर 24 और ऐड करूंगा तो उससे अगली। ठीक है, देख लेते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन टर्म 24 आ रही है, इसमें भी 24 और आगे भी 24 ही आएगी, डिफरेंस सेम तो एपी। नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। फिफ्थ होगा फोर्थ प्लस कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म थी 73, ये आएगा 97। अगली टर्म होगी 97 + 24 = 121, और उसके बाद 121 + 24 = 145। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स मेरी ये आ गई। ठीक है,